नीतीश कैबिनेट की बैठक में आखिरकार आज नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली को स्वीकृति दे दी गई है। पिछले 3 कैबिनेट जो बैठक में इसकी मंजूरी को लेकर इंतजार किया जा रहा था वो आज खत्म हो गया। अब राज्य में जल्द ही बड़े पैमाने पर टीचर की बहाली की जाएगी। इसके जरिए 7वें चरण के तहत 3 लाख शिक्षकों के लिए खाली पदों पर सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। दरअसल कुछ दिन पहले बिहार के शिक्षा मंत्री ने यह बयान दिया था कि शिक्षा नियुक्ति नियमावली को लेकर उनके तरफ से हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। इसे महज कैबिनेट से मंजूरी मिलनी थी, लेकिन इसके बावजूद भी 2 बार के कैबिनेट बैठक में उसे मंजूरी नहीं मिली और आखिरकार अब विधानसभा में चर्चा होने के बाद सीएम ने इसे लेकर कहा कि कैबिनेट की बातें बिना सुने इसे मंजूरी नहीं मिल सकेगी। बता दें कि अब इसे मंजूरी मिल चुकी है। इस नए नियमावली के तहत 7वें फेज की शिक्षक बहाली इस बार नए तरीके से होगी। ऐसे में सरकार ने बहाली शुरू कर दी है और पहले नई नियमावली तैयार करवाई जाएगी, जिस पर अब कैबिनेट की अंतिम मोहर कैबिनेट लगाएगी। नई नियमावली के प्रस्ताव पर विभागों द्वारा शिक्षा, वित्त, विधि, पंचायती राज और नगर विकास विभाग से सहमति मांगी गई थी। इन सभी विभागों की सहमति मिलने के बाद अब इसे मंजूरी मिली है। आपको बता दें कि राज्य में शिक्षकों के 3 लाख पदों पर बहाली होनी है, जिसमें STIT, बिहार TET और CTET अभ्यर्थी शामिल हैं। लेकिन 4 साल से सिर्फ तारीख पर तारीख मिल रही थी, लेकिन अब आखिरकार ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ PR लाइव, पटना।